विक्रम में गरीब दलित पिछड़ा वर्ग के सम्मान के लिए बली यादव ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा चुनाव के समय आते ही नेता एवं निर्दलीय सभी लोग चुनाव की तैयारी में जुट गए। इसी बीच बली यादव ने रनिया तालाब थाना क्षेत्र के बेलसड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि गरीब दलित एवं पिछड़े वर्ग को इज्जत एवं सम्मान नहीं दिया जाता है। गरीबों का फसल बर्बाद होता है लेकिन कोई भी विक्रम विधानसभा क्षेत्र के नेता देखने तक नहीं आते। खासकर बली यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को एकत्रित करने का काम किया है। विधानसभा चुनाव बस होने ही वाला है और आप लोग मीटिंग रखे हैं, किस उद्देश्य से ये मीटिंग रखा गया है? ये आज विक्रम विधानसभा की विधानसभा स्तरीय बैठक है जिसमें मतदाता विभिन्न विभिन्न वर्गों के लोग आए हुए हैं और बातें जो छन के आ रही है उससे साबित होता है कि जो हमारे इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक हैं महागठबंधन के, जो दलित पिछड़ों और हमारे साथियों को उचित मान सम्मान नहीं मिला है, ये लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं और ये लोग चाह रहे हैं कि हमारे महागठबंधन, हमारे किसी दूसरे प्रत्याशी, हमारे समाज के दो वो बली बाबू जो डिमांड कर रहे हैं, मैं इनको समर्थन करता हूँ। हम लोगों ने 90,000 वोटों से उनको विजय दिलाया। लगातार ये मीडिया में, सोशल मीडिया के माध्यम से या और तरह से ये हमें लगातार बताया जा रहा था कि हमारा अपने पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का कोई जनाधार नहीं है, जबकि ये सभी वर्ग लोगों में मिलकर के 90,000 वोट देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ अपने पार्टी से भी, अपने नेताओं से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये 90,000 वोट जो हमारा समाज का था